मैं अभी जो बातें अंदर बोल रहा था वो मास्टर जी आपने सुन ली क्या? हाँ मैंने सुना। अच्छा हुआ, मुझे और भी बहुत कुछ बोलना है, उस पर भी आप जरा ध्यान दीजिए। नहीं फिलहाल मैं दूसरी बात करने यहाँ आया हूँ। कौन सी दूसरी बात? वो नीलकंठ का जो सामान। अरे बाप रे, इधर चुप हो जा तू, इधर बैठ। अभी आराम से बोलो कि आपकी परेशानी क्या है। वो नीलकंठ का जो सामान। आराम से धीरे से बोलो, मेरे कान में कोई खराबी नहीं है। उस नीलकंठ की जो सोने की कमरबंद थी वो उसको वापस कर दी तुमने? हाँ तो दे दिया ना, क्यों नहीं देना चाहिए? आप बोले तो मैं वापस ले लूं। लेकिन वो उसे नहीं मिला है। दूंगा तभी मिलेगा ना। तो फिर दिया नहीं? दे दिया। फिर भी नहीं मिली ऐसा बोल रहा है वो। कोई बात नहीं, वो उसके कपड़े रखने की जगह पर धोती के अंदर मिलेगा। क्या, धोती के नीचे? अबे बेवकूफ मास्टर, मैंने उस चीज को धोती के कोने में बांध कर रखा हुआ है। तो इस बात को वो नहीं जानता क्या? अरे नहीं जानता होगा, वही आजकल के लड़कों की होशियारी है। मालिक, ओ मेरे पिंडदान के लिए तू भी आ गया है ना? मैं इसलिए आया हूँ कि। नहीं आवाज मत करना, मैं वहाँ आता हूँ। अरे नहीं मास्टर, आप यहाँ बैठिए, आपके लिए काफी है। इन सबके बीच में बीवी को कैसे संभालू? ना ना ना, आ जाओ। हाँ अब बताओ तुम्हारी क्या तकलीफ है? मालिक मेरी वो जो चीज। तुम्हारी वो चीज अंदर ही है ना, अब उसे अब मुझे बाहर निकालना होगा क्या? वो नहीं मालिक, नहीं वो मास्टर ने कहा था कि मालिक आपने सावित्री को उस चीज को वापस कर दिया। हाँ, मैंने दे दिया है। फिर क्यों बोले नहीं मिला है? अरे दूंगा तब ना। तो फिर मालिक आपने दिया ही नहीं? अरे मैं बोल ही रहा हूँ ना कि मैंने उसे ये दे दिया है। रावनी वो क्या है? रुको रुको, मैं वहाँ आऊंगा। तो फिर मैं तुम्हें कोई कुत्ता काट रहा है? नहीं मिला ऐसा बोला हूँ। मैं अभी जाके आता हूँ। अभी नहीं, कैसे संभालू? तो मास्टर जी आप क्या बोल रहे थे? रावनी सच सच बताओ, तुमने नीलकंठ की चीज को वापस कर दी है क्या? दे दिया ना। तो फिर ये क्यों बोल रहा है नहीं मिली? हाँ उसने कहा उसे मिल गया। मुझे भी उसी बात को जानना है। मैंने कहा ना वहाँ खड़े रहो, मैं वहाँ आता हूँ। रावनी बोलो, तुम बोल रहे हो तुमने दे दी, और नीलकंठ बोल रहा है उसे वो चीज नहीं मिली। हे भगवान, कहाँ जाकर खो गई? हाँ वो भगवान कहाँ जाकर छुप गया है, ये बात तो मुझे भी जानना है। मैं भी सोच रहा हूँ। चुप हो जा, जाके अपना शक्ल सुधार पहले। हे भगवान, इस बड़े खानदान में रहने वाले राउन्नी को तुम्हारे उस सोने को लेकर पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, समझे क्या तुम? मालिक आपको भी क्या मेरे जैसी कोई बहुत बड़ी तकलीफ आ गई है क्या? चुपचाप यहाँ से निकल जा। सुना मास्टर क्या बोल रहे हैं? मास्टर को नहीं बोल रहा, तुझे ही बोल रहा हूँ मैं। वैसे यहाँ क्या हो रहा है? अरे रुको रुको रुको, तुम यहीं खड़ी रहो, जरूरत पड़ने पे मैं खुद यहाँ आ जाऊंगा। आप यहाँ नाटक कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा, इस नाटक में औरतों का रोल नहीं है, तुम चुपचाप अंदर चली जाओ। नहीं, बात क्या है मुझे जानना है। दो मर्दों के बीच में तुम्हें नीलकंठ से बात करने की क्या जरूरत है? अरे कहाँ ना, जाओ अंदर चलो। जब देखो तब मेरे सिर पे चढ़ी रहती, दिमाग खराब करके रख दिया है। हाँ मास्टर जी, मैं कह रहा था, अरे तुम गए नहीं क्या? मेरी वो चीज। अरे कहाँ ना जाओ। मैं तो बस नीलकंठ, अभी हम सब्र करते हैं, हम इसका रास्ता निकालेंगे, फिलहाल के लिए तुम चले जाओ। मास्टर, इंसान को बेइज्जत करने के बाद अभी आपको शांति मिल गई ना? अरे रावनी, अभी मास्टर जी मुझे भी आपको बोलना पड़ेगा, जाइए। नहीं मैं खुद निकल जाऊंगा। मास्टर जी जरा रुकिए, आप अपने बेटे को समझा लीजिए कि मेरी बेटी से दूर रहे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, नहीं तो मैं उसके हाथ पर काट के फेंक दूंगा। हे भगवान, फिर से तुम मेरे सर पे आके खड़ी हो गई, आखिर चाहिए क्या तुमको? रसोई में कोई काम नहीं है क्या? जब देखो बाहर आ जाती हो, जाओ अंदर। हाँ दिमाग खराब कर देते हैं। दुष्यंत, अब तक जो मैं बोल रहा था दरअसल बात ऐसी नहीं है। सुमित्रा से जो तुम प्यार करते हो वो तुम्हें रोकना होगा। क्यों, क्या हुआ पिताजी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पहले बोला था वो सही है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ उस लड़की को भूल जाओ, जो अपने वादे से मुकरता है वैसे आदमी की बेटी मेरे घर बहू बनकर आए मुझे पसंद नहीं है। पिताजी वो तुम्हारे पिताजी ने इस फैसले को अच्छे से सोच समझ कर लिया है, सुनना ही पड़ेगा। तुम मेरी बात को सुनना नहीं चाहते? मैंने भी बहुत अच्छे से सोच समझ के फैसला किया है, हम या तो एक साथ जिएंगे या फिर एक साथ मरेंगे। अरे रावनी। अरे ये कहां से आ गया? मैं घर ही जा रहा था। हे भगवान, लगता है ये कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अरे रावनी, तुमसे मैंने हजार बार बोला है ना कि मैंने उस चीज को दे दिया, फिर क्यों मुझे इस तरह तकलीफ दे रहे हो? अरे रावनी, मैं उस चीज के बारे में बात करने तो नहीं आया। हमारे मासूम बच्चों को किस्मत के काले पत्थर से टकराकर गलत रास्ते पर जाने का मौका मत दो उनको। क्या बोला, क्या बोला, फिर से बोलो एक बार। किस्मत के काले पत्थर से कौन टकराया? और कोई नहीं, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा। उन दो नौजवानों का दिल दूध और पानी के जैसे मिल गया है, अभी कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती है।
बीच रोड पर रोकर कोई शादी की बात करता है क्या, वो भी पढ़ा लिखा आदमी? अभी उसके लिए काफी समय है, समय आने पे वो सब हो जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ तो जो होगा वो देखा जाएगा। मेरा मतलब रावनी, हाँ, तुम्हारी शादी हो गई ना? हाँ। तुम्हारी बीवी मर गई ना? हाँ। अभी तुम फ्री हो ना? हाँ, तुम फ्री हो गए हो। हाँ। उसके लिए अभी क्या जल्दबाजी है? यहाँ कोई नहीं है क्या? लगता है यहाँ कोई नहीं है। मालिक, आपको क्या चाहिए? मैं हूँ रावनी मालिक। हे भगवान, मेरी मदद करो। पानी नहीं चाहिए क्या? अरे चाहिए ना। कितना मधुर है। तुम्हारे हाथों में जादू है, पानी भी मीठा हो गया। मैं सच बोल रहा हूं, पानी बहुत मीठा है। रुको, तुम्हारे हाथ और गले में कुछ भी नहीं है? उस हरामखोर नीलकंठ ने सब कुछ बेच दिया ना? कमरबंद को भी उसने गिरवी रख दिया ना? वो तो मालिक आपके पास है ना? अभी वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसे मैंने घर पे अच्छे से संभाल कर रखा है। सावित्री, तुम थोड़ा भी चिंता मत करना। वो जो कमरबंद, वो मुझे चाहिए। हे भगवान, वो किस लिए? कमरबंद ही चाहिए, और कुछ नहीं। मेरा वो कमरबंद आपको किस लिए चाहिए? वो मुझे दे दो ना। दूंगा ना। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, तुम मुझे बिना हिचकिचाए बिल्कुल बता सकती हो। बोलो, मैं ला के दूंगा। मुझे वो कमरबंद काफी है। करधनी क्या, मैं तो जान भी दे दूंगा। क्यों, सच कहा ना? सावित्री, मैं कल ही देता हूं। हे भगवान, कहीं बुरा तो नहीं मान गई? कल सुबह होते ही तुम नीलकंठ को मेरे पास भेज देना। तुम्हारी उस करधनी को मैं नीलकंठ के हाथों से तुम्हारे पास भिजवा दूंगा।